अब आप इसमें हाइपरलिंक का टेस्ट करेंगे। आप इसमें जाते हैं, आपने वर्ड को सिलेक्ट किया, हाइपरलिंक पर क्लिक किया, यहाँ ब्राउज पर जाएंगे, डेस्कटॉप पर सेव थी, तो अटैच कर लेना इसमें। तो हम यहाँ पर ये एक्सेल की लिस्ट है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपकी लिस्ट का नाम आ गया, ये वाली लिंक आप इससे अटैच कर रहे हैं और फिर आप ओके पर क्लिक कर देना। अभी आपके जो वर्ड था इसका कलर चेंज हो गया है। आप जैसे ही आपका करते हैं कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करते हैं, आप किसी ए प्रेजेंटेशन सामने वाले को भेजती हैं, तब क्या होता है, जैसे ही वो इस पर क्लिक करता है तब ये क्या होती है, ओपन हो जाती है उसके सामने वाले। आपने वर्ड में भी किया था, एक्सेल में भी किया था, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि आपने इससे जो भी डॉक्यूमेंट अटैच किया था वो ओपन हो जाता है। इसके बाद आपका यहाँ पे मिलता है आपको एक्शन। जैसे आप एक्शन पे क्लिक करते हैं तो एक्शन सेटिंग पे जाते हैं, हाइपरलिंक पर। अगर आप यहाँ से हाइपरलिंक देना चाहते हैं, किस स्लाइड की देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन पर दे सकते हैं, स्लाइड का भी दे सकते हैं, और अगर स्लाइड की नहीं देनी है तो अदर फाइल पर क्लिक कर दें, वही वाला सब ओपन हो जाता है। फिर आप डायरेक्ट इससे भी अटैच करते हैं और हाइपरलिंक से भी अटैच कर सकते हैं। दोनों में क्या होता है, ये सेम ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आप यहाँ पे साउंड वगैरह प्ले करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए, तब प्ले साउंड के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कई सारे साउंड दिए हैं। अगर अपने अकॉर्डिंग कोई साउंड लगाना है तो लास्ट में अदर साउंड का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आपके सिस्टम में जहाँ पे भी साउंड हो म्यूजिक, वो आप इसमें अटैच करके ओके पर क्लिक कर देना, तो वो आपको क्या हो जाता है, यहाँ से अटैच हो जाएगा पर्टिकुलर उस वर्ड में आ जाएगा ये हाइपरलिंक और एक्शन सेंटर। हाइपरलिंक में कोई वर्ड अगर डॉक्यूमेंट अटैच करना है तब यूज किया जाता है, और एक्शन सेंटर से या तो आप हाइपरलिंक अटैच कर सकते हैं या साउंड अटैच कर सकते हैं, आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ कमेंट का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप सावित्री वह इनके बारे में आपको अलग से कुछ कमेंट देना चाहते हैं, कुछ इनकी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तब आप वर्ड को सिलेक्ट करें या वर्ड के बीच में क्लिक कर दें, कमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसके बारे में इनके बारे में कमेंट दे सकते हैं। जैसे कि आपने दे दिया अपने अकॉर्डिंग, जैसे ही आप क्या करते हैं आपका ये हो जाता है, तो आप इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अब जैसे ही आप चेंज करने के बाद इस पे आते हैं तो आपको यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, तो कमेंट आपको ओपन हो जाता है, आप इसे यहाँ से कट कर दीजिए, फिर भी यहाँ पे साइन रह रहा है। अगर आपको देखना है कि यहाँ पे सामने वाले ने आपने क्या कमेंट दिया था, तब आप इस पर क्लिक कर दें तो कमेंट ओपन हो जाता है। अगर ये कमेंट हटाना है तो ये कट का ऑप्शन है, इसके द्वारा ये कमेंट यहाँ से रिमूव हो जाता है, आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट बॉक्स का। अगर आपको या जैसे यहाँ से नहीं लिखना, इंसर्ट टैब में आप बार डॉट से लिखते हैं, यहीं से यहाँ से नहीं लिखना तो आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, इसे ड्रैग कर देना और यहाँ पर फिर आपको जो भी टाइप करना है आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बिना टेक्स्ट बॉक्स बार डॉट के टाइप करेंगे पावर पॉइंट पे तो वो नहीं होगा, इसलिए ठीक है। नेक्स्ट इसमें है हेडर एंड फूटर वाला। अगर आप जैसे इन पे नंबर देना चाहते हैं, आप किसी भी स्लाइड पे जा रहे हैं, हम यहाँ से देखते हैं किसी भी स्लाइड पे जा रहा है, ना नीचे ना ऊपर या पूरे स्लाइड पे कहीं भी नंबर वगैरह कुछ नहीं दिया है, तब आप उस कंडीशन में कर सकते हैं हेडर एंड फूटर पर क्लिक करेंगे। अगर आप डेट एंड टाइम देना चाहते हैं, डेट एंड टाइम पर क्लिक करें, अगर ये डेट सही है तो यही इंसर्ट कर दें, और अगर नहीं है तो आप सही कर लेना इसे, और यहाँ से अप्लाई पर क्लिक कर दें, तो यहाँ पर आपकी डेट आ गई। नेक्स्ट आपको इसी में ऑप्शन दिया है कि अगर आपको स्लाइड में नंबर शो कराना है तो आप स्लाइड नंबर पर क्लिक कर दें और यहाँ से अप्लाई टू ऑल कर दें, एक में करेंगे तो एक पे नंबर आएगा। अभी आपकी कौन से नंबर की थी, सिक्स नंबर की थी तो इसमें सिक्स आ गया, ये सेकंड नंबर की थी तो यहाँ पे सेकंड आ गया, ये सेवन की थी तो यहाँ पे सेवन आ गया, सारी स्लाइड पे नंबरिंग हो जाती है, आ जाएगा। इसके बाद अगर आप नीचे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, ऑथर वगैरह का नाम कुछ देना चाहते हैं, तो आप फूटर पर क्लिक करें, हम यहाँ पर जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारी देते हैं, और इसके बाद हम अगर अप्लाई सिर्फ इसी वाली स्लाइड पे चाहिए तो अप्लाई कर दें, और सारी स्लाइड पे चाहिए तो अप्लाई टू ऑल कर दें। अब आप जिस भी स्लाइड पे जाएंगे, नीचे आपको फूटर में शो हो रहा है आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर, हमने एज अ फूटर दिया था तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे शो हो रही है, आ जाएगा।
इसके बाद बर्ड आर्ट तो आप जानते ही, अगर आपको कोई भी टेक्स्ट लेना है तो आप यहाँ से बर्ड आर्ट लेंगे पहले, फिर उस टेक्स्ट को टाइप करेंगे, और अगर आपको उसमें कलर वगैरह चेंज करना है तो फिर आप यहाँ से उसमें कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। इसके बाद अगर आप इसमें डेट देना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ से आप ये जो ऑप्शन थे डेट वाला स्लाइड नंबर वाला, ये दोनों ही आपको यहाँ पे दिए हैं, डेट वाला और ये स्लाइड नंबर वाला। डेट डायरेक्ट देना चाहते हैं तो यहाँ से वही वाला ऑप्शन खुल गया आपका, और अगर आप स्लाइड नंबर भी देना चाहते हैं तब भी वही वाला खुल गया, दे देंगे ना। अब जैसे आप इसमें एक्सेल का कुछ वर्क करना चाहते हैं और एक्सेल की फाइल इसमें ओपन करना चाहते हैं, तब आपको हर वर्ड में भी मिलता है, एक्सेल में भी मिलता है, और यहाँ पे पावर पॉइंट में भी ऑप्शन मिला है आपको ऑब्जेक्ट वाला। आप इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपके सामने लिस्ट ओपन हो गई कि आपको कौन सा वाला जो सॉफ्टवेयर है जो आपको इसमें यूज करना है। तो यहाँ पे आपको फोटोशॉप कोरल टू सब दिया है, हम यहाँ से एक्सेल पर क्लिक करते हैं और ओके पर क्लिक करें, एक्सेल की शीट आ गई, एक्सेल के ऑप्शन आ गए। अब हमने यहाँ पे हमारा वर्क किया, दोनों को सिलेक्ट किया और आप इसे यहाँ से ड्रैग कर देंगे, अब आपका काम हो गया। अब आप बाहर क्लिक कर देंगे तो आपकी एक्सेल की जो टेबल थी पूरी यहाँ आ गई, जो आपने एक्सेल में वर्क किया था वो भी यहाँ आ गया, एक्सेल के सारे जो ऑप्शन थे अननेसेसरी वाले वो भी सारे हट गए, कर लेंगे आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको इसमें कोई अगर आपको इसे हटाना है तो बॉर्डर पर क्लिक किया और डिलीट की प्रेस कर दी। अब आप यहाँ पर अगर कोई सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंबल के ग्रुप के डॉकडाउन पर क्लिक करना, अगर कोई मैथ वगैरह के इक्वेशन दे रहे हैं तो इक्वेशन पर क्लिक करके, यहाँ पे आपको कई सारी इक्वेशन दी है आप इन्हें ले लेंगे। इसके बाद आप इन्हें डिलीट करके अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं कि आपने ये ली, आपने इसे हटाया, इसकी जगह जैसे ये नहीं लेना था, केवल एक होल स्क्वायर लेना था। अब इसके बाद आप में फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर जाते हैं, यहाँ पे डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे कई सारे इक्वेशन आपको दिए, आप अपने अकॉर्डिंग बना भी सकते हैं, और जो मोस्ट पॉपुलर वाली थी वो आपको यहाँ पे शो हो जाती है कि मोस्टली जरूरत पड़ेगी तो इन्हीं की पड़ेगी, एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस सर्कल और कर लेंगे। अगर यहाँ पे कोई सिंबल देना है इसके बीच में तो आप यहाँ से सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कई सारे आपको सिंबल्स दिए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आप क्लिक करना और यहाँ से आप उसे इंसर्ट कर देना, फिर आप इसे कट करके शो करेंगे तो यहाँ पे आपका आ गया, जो भी सिंबल आपने लिया था वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है, आ जाएगा। इसके बाद है मीडिया, अगर आपको यहाँ पे कोई ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट करनी है तो आप वीडियो के ड्रॉपडाउन पर क्लिक करें, अगर आपके सिस्टम में है तो वीडियो ऑन पीसी से ले लें, और अगर ऑनलाइन लेनी है तो आप ऑनलाइन वीडियो पर क्लिक करें, और यहाँ से डायरेक्ट आपको यूट्यूब का होम पेज ओपन हो जाता है, जो भी आपको वीडियो या जिस भी चैनल से सर्च करना है आप वो चैनल यहाँ पर सर्च कर लें। क्या हाँ, मीडिया वाले ऑप्शन में फर्स्ट है वीडियो वाला, यहाँ से ऑनलाइन ले सकते हैं, यहाँ से ऑफलाइन ले सकते हैं, सेम ऑडियो के लिए है, यहाँ से आपके सिस्टम में है वो, और अगर आपको रिकॉर्ड करना हो तो फिर यहाँ नीचे से रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन इसके लिए आपके पास रिकॉर्डिंग डिवाइसेस होने चाहिए जो अभी फिलहाल में उपलब्ध नहीं है, आ जाएगा। इतना इंसर्ट टैब में कोई डाउट है? सिर्फ फूटर का रहता है, जब अब आपने इस पर क्लिक किया तो आपको ये सिर्फ फूटर का ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ पे फूटर मतलब क्या होता है, नीचे ही होता है, इसलिए वो नीचे जाता है, हेडर क्या रहता है, क्योंकि ये फूटर है नहीं, अपन ने इसी के दौरान पे क्लिक किया है, हेडर का ऑप्शन ही नहीं, बस नाम दे। और कोई डाउट है आप किसी को इसमें? ये डिज़ाइन टैब आपने पूरा पढ़ा है, आ रहा है हल्का फुल्का याद, जब फोटो एल्बम पढ़ रहे थे तब, ट्रांजिशन पूरा पड़ा है और एनिमेशन पूरा पड़ा है, जब आप फोटो एल्बम पढ़ रहे थे, हमने कहा था ना हम रिपीट नहीं कराएंगे, एक बार मैं देख लेना।